आज क्या कुछ आपकी रणनीति है, कल क्या कुछ बैठक में निकल कर आया? निश्चित रूप से बिहार के 14 करोड़ जनता के हित के लिए और 10 लाख नौकरी जो बोले थे पहले कैबिनेट में, साथ ही किसानों की जो समस्या है खाद बीज की, सुखाड़ की समस्या हो गई थी, अतिवृष्टि की समस्या हो रही है, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो सरकार अन्याय कर रही है, साथ ही शिक्षक जो नियोजित हैं उनको भी परीक्षा की बात सरकार कर रही है, जनहित के मुद्दों को लेकर के हम सरकार को सदन में घेरेंगे। जी अच्छा, एक कल देखिए महागठबंधन की बैठक हुई और सुनील सिंह को नीतीश कुमार ने बड़ी बड़ी बातें कह दी, आपके संपर्क में रहने की बात कह दी, कैसे बीजेपी देख रही है? देखिए मुख्यमंत्री जी डर गए हैं, इससे वो अपना बैलेंस खो चुके हैं और अंड बंड बोल रहे हैं। नीतीश जी का ऐसा स्वभाव नहीं था, लेकिन डरे हुए नीतीश जी यहाँ तक कहते हैं कि विधायकों को 200 करोड़ रुपए की ऑफर दी जा रही है। डरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में जा रही है, अपना संपर्क और समर्थन बढ़ा रही है, उससे डरे हुए हैं। साथ ही आरजेडी से जो उनको दबाव मिल रहा है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का, इससे भी डरे हुए हैं। ये कह रहे कि 200 करोड़ रुपए खरीदने को लेकर, लेकिन 200 करोड़ रुपए बीजेपी देगी? बीजेपी कहां से देगी 200 करोड़ रुपया? बीजेपी के बिना पैसे के ही लोग लाइन लगाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो पैसा दे करके तो व्यापारी खरीदता है। जिंदगी भर नीतीश जी ऐसा किए हैं, दूसरे के पार्टी को तोड़े हैं, आज अपना पार्टी टूट रही है तो बिलबिला रहे हैं और अंडबंड बोल रहे हैं। पार्टी के लोग आपके संपर्क में हैं क्या? जी नहीं, हम किसी पार्टी से संपर्क नहीं करते हैं, हम अपने कार्यक्रम नीति और सिद्धांत पर विश्वास करके विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बने हैं। लालू जी के तोड़ने को लेकर लालू जी के करीबी लोगों पे चारा डाल रहे हैं, ये उन दोनों पार्टी के अंतर कलह की निशानी है और डरे हुए मुख्यमंत्री का ऐसा बयान है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।